दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ी की जो फ्लोरिंग है आरपीएम है वो कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने खड़ी है ये सीडी डीलक्स बाइक। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस बाइक के अंदर की फ्लोरिंग के अंदर अगर बाइक खड़ी नहीं रह रही तो उसके अंदर क्या परेशानी है। तो दोस्तों हमारे सामने सीडी डीलक्स और डीलक्स बाइक चली हुई है 25,000 किलोमीटर और अभी हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे क्योंकि ये बाइक जो है ये फ्लोरिंग के अंदर स्टार्ट नहीं हो रही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है मगर जैसे ही हम इसका एस्केलेटर छोड़ेंगे एस्केलेटर छोड़ने के बाद ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी एस्केलेटर छोड़ने के बाद बंद हो रही है और ये गाड़ी स्टार्ट एक जगह नहीं रह रही। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हम सबसे पहले मैकेनिक के पास जाते हैं तो हम मैकेनिक इसका जो आरपीएम है वो सेट करता है या फिर इसका जो मिक्सचर है उसको ट्यूनिंग मिला के आपको बाइक दे देते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी स्लो के अंदर खड़ी नहीं रहती तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जो कार्बोरेटर है कार्बोरेटर क्लीन करवाना है, इसके स्लो जेट और मेन जेट इनको अच्छे तरीके से आपको सफाई करवाना है। और इसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी स्लो के अंदर खड़ी नहीं रहती या एक जगह स्टेबल नहीं रहती तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसका जो कार्बोरेटर है पहले क्लीन हो चुका है, इसके आरपीएम फ्लोरिंग और जो इसका मिक्सचर है सब चीज़ें मैकेनिक के पास जाके सेट हो चुकी हैं फिर भी ये गाड़ी फ्लोरिंग में खड़ी नहीं हो रही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो टेपिट हैं वो सेट करने हैं, उससे पहले मैं आपको इसके टेपिट कवर खोल के और दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनलेट टेपिट कैप खोलना है, कैप खोलना है दोस्तों। तो दोस्तों टेपिट कैप खुल चुके हैं इसके, इसके जो टेपिट है सेट करने से पहले चेक करने से पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाड़ी को टॉप में लाने के लिए आपको या तो आपको किक अप्लाई करके भी टॉप में ला सकते हैं या फिर आप मैग्नेट साइड से भी टॉप में गाड़ी को रख सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो टेपिट हैं चेक और सेट दोनों चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो इसका आउटलेट है आउटलेट में बहुत ज़्यादा प्ले है नीचे की साइड और जो इसका इनलेट है इनलेट दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइट है। तो जो इसकी गाड़ी की में जो प्रॉब्लम थी कंप्रेसर की प्रॉब्लम थी वो सारी इनलेट वाल टाइट होने की वजह से हो रही थी दोस्तों। सबसे पहले हम इसका जो इनलेट वाल है वो सेट करेंगे और उसके बाद आपको गाड़ी को दिखाएंगे बिना फ्लोरिंग सेट किए। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टेपिट के अंदर साइड की प्ले रखना है ना कि ऊपर नीचे की। अगर आप ऊपर नीचे की प्ले रखेंगे तो गाड़ी के अंदर टेपिट का साउंड होगा और साइड की प्ले नहीं रखेंगे तो आपकी गाड़ी में कंप्रेसर प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रॉब्लम जो टेपिट प्ले है वो साइड की प्ले रखना है ना कि ऊपर नीचे की दोस्तों। और रही बात आपको आउटलेट की बताऊँ दोस्तों, तो इसके जो टेपिट है वो दोनों हमने सेट कर दिए, अब बारी इनके टेपिट कैप की आती है। तो दोस्तों टेपिट कैप लगाने के बाद हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं जल्दी। तो दोस्तों अब हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं फ्लोरिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है और ये फ्लोरिंग के अंदर खड़ी रहेगी। अब आप इसको जितनी देर भी चाहे उतनी देर इसको स्टार्ट कर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो इनलेट टेपिट टाइट होने की वजह से थी जो कि कंप्रेसर था बहुत ज़्यादा कम बन रहा था गाड़ी के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम हमने इसकी सॉल्व कर दी है मगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो टेपिट चेक करने के बाद सेट करने के बाद भी हमारी गाड़ी जो है कि फ्लोरिंग के अंदर दिक्कत करती है कार्बोरेटर वगैरह सब चीज़ें साफ करने के बाद। तो दोस्तों उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो हमारा बड़ा वाल है ये हमारा इनलेट वाल है और ये आप छोटा वाल देख रहे हैं ये हमारा आउटलेट वाल है। तो इसके अंदर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है जो वाल है ये डैमेज